हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और ए एन। डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे, जीरो आर्टिकल, अर्थात मीन्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मीन्स किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना, उसी को हम जीरो आर्टिकल कहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है या कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम ना तो ए का प्रयोग करते हैं, ना एन का प्रयोग करते हैं, ना द का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है, Do not use any article before uncountable nouns in general statement. जनरल स्टेटमेंट्स में अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि हेल्थ इज वेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है और इसके अलावा वेल्थ भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें किसी से भी पहले मीन्स यहाँ पर ना तो ए का, एन का या द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार इस वाले सेंटेंस में जीरो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, मीन्स किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और हेल्थ भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मीन्स अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का अर्थ, जैसे कि इसका अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा, जैसे कि ब्यूटी है, सुंदरता, मीन्स ये भाव को दर्शाती है। और इसके अलावा लिबर्टी, आज़ादी, या फिर जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम एग्जांपल देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मीन्स जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ब्यूटी इज बट स्किन डीप, तो यहाँ पर ब्यूटी से पहले ना तो ए का, ना एन का, ना द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, ही इज एट प्रेजेंट स्टडिंग हिस्ट्री, तो यहाँ पर एट प्रेजेंट एक फ्रेज है और कुछ सिलेक्टेड फ्रेज होते हैं, उनसे पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, लिबर्टी इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन, तो लिबर्टी यहाँ पर अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, थर्ड, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विथ फ्रेजेस लाइक द फॉलोइंग। जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर के कुछ सिलेक्टेड फ्रेज होती है, उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो वही पढ़ रहे हैं हम थर्ड वाला, कि कुछ फ्रेजेस के साथ में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे हैंड टू माउथ, बॉडी एंड सोल, मदर एंड चाइल्ड, वाइफ एंड हस्बैंड, मैन एंड वाइफ, डे एंड नाइट, एट लास्ट, अ टाइम्स, बाय ट्रेन, बाय बस, स्कूटर, बाय कार, मीन्स इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने तीन यूज़ पढ़े। फर्स्ट वाला पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो जनरल स्टेटमेंट्स में होते हैं उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद पढ़ा था हमने अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और इसके अलावा अब हम इसके बाद हमने पढ़ा है कि कुछ फ्रेजेस होते हैं उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मतलब जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, बट इन अ कार, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था बाय ए ट्रेन, बाय ए बस, बाय ए स्कूटर, बाय ए कार, उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हम बात करेंगे कार में, तो ऐसी स्थिति में हम क्या, अगर यहाँ पर इन आता है और कार आता है तो उससे पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑन फुट, बाय हैंड, बाय हर्ट, बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंट, इन एडिशन, इन फैक्ट, इन फ्रंट ऑफ, इन रियलिटी, इन केस, इन ट्रबल, ऑन पर्पस, ऑन ड्यूटी, ऑन गार्ड, ऑन डिमांड, ऑन हेल्थ, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग,
ऑल नाइट एंड डे, ये सारे जो फ्रेजेस हैं इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार नेक्स्ट फोर्थ यूजेस नाइदर द नोर ए एन इज यूज्ड विथ इलनेस, मीन्स ना तो द का और ना ही एन का प्रयोग होता है बीमारियों के साथ में। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं या कुछ इलनेस होती है उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मीन्स जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर मलेरिया, इंडाइजेशन, कैंसर, मम्स, चिकन पॉक्स, मिजल्स, अपेंडिसिटिस, फ्लू, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मीन्स जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसके अलावा लेकिन सम टाइम द इज यूज्ड विथ इन्फ्लुएंजा, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा होती है उसके साथ में कभी कभी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने फोर्थ पढ़ा है कि कुछ इलनेस होती है उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट सम फ्रेजल प्रीपोजिशन डू नॉट कंटेन एन आर्टिकल, मीन्स कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन होती है। देखिए फ्रेज का क्या अर्थ होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और फ्रेजल प्रीपोजिशन का अर्थ होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन उनमें प्रीपोजिशन भी आती है। मीन्स यहाँ पर फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन उसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेजल प्रीपोजिशन होती है उसमें भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि बाय मीन्स ऑफ, तो यहाँ पर जैसे कि डियर स्टूडेंट, बाय मीन्स ऑफ, बाय डिंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ये क्या है, सारी फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि बाय मीन्स ऑफ का अर्थ होता है का प्रयोग करके या के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ का अर्थ होता है का प्रयोग करके या के द्वारा, और बाय डिंट ऑफ का होता है के सहारे से, बाय डिंट ऑफ का अर्थ होता है के सहारे से, और ऑन अकाउंट ऑफ का अर्थ होता है की वजह से। डियर स्टूडेंट, आज हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा है जीरो आर्टिकल का। इसके आगे भी हम कुछ फोनेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। और वैसे जो आज हमने जीरो आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा है ये हमारे मीन्स 11th की जो इंग्लिश है उसी का कंटेंट केवल पढ़ा है हमने। और ये जो जीरो आर्टिकल है इससे क्वेश्चन लगभग आपके बोर्ड क्लासेस में तो आते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो 10th 12th क्लासेस हैं, 10th 12th क्लासेस के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी जीरो आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लियरली एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।